कानून कमेटी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आफ्ताब सियाल प्रोविंशियल चेयरमैन, आफ्ताब सियाल प्रोविंशियल चेयरमैन सेंट्रल पीस कमेटी की तरफ से आज हम जाड़ावा पहुंचे हैं। मेरे साथ मेरी सेंट्रल पीस कमेटी की पूरी टीम है, जिसमें सलीम चाकी साहब हैं, सगीर अहमद दश्ती साहब हैं और अपना इरफान अली शेख साहब हैं, और हम आज जाड़ावा गांव में खड़े हुए हैं। मीरचंद ओट साहब भी हमारे साथ है, ये पूरी हमारी अमन कमेटी है, और हमारे साथ आजम भुट्टो साहब भी साथ हैं, ये हमारे साईं हुसैन शाह बादशाह के पांधियड़े हैं, और ये अमन कमेटी का काफिला लेकर आज हम यहाँ जाड़ावा पहुँचे। यहाँ पे बेसिकली ये जागीरानी बरादरी में जो तकरीबन 15 सालों से एक झगड़ा चल रहा है, यहाँ पे 8 कत्ल हो चुके हैं। हम इस सिलसिले में पूछे कि इनके बीच में सुलह हो जाए। पहले हम यासीन जागीरानी और आबिद जागीरानी के पास गए थे, अल्लाह के फजल करम से उन दोनों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन किया और इस बात पे एग्री हो गए हैं कि अभी हमारा जो है ना किसी के पास फैसला कराया जाए। अमन कमेटी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद। तो दोस्तों, बाद में हम इस लियाकत जागीरानी की पार्टी के पास आए। ये लोग लियाकत जागीरानी साहब की तरफ से जो है ना अपना हम खड़े हुए हैं, एक गोताख में खड़े हुए हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये जो जितने भी बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये 15 सालों से यहाँ का स्कूल बंद है और एजुकेशन इस गांव का बिल्कुल जो है ना यूँ समझे कि तबाह चुका है। हम ये जो अमन का काफिला लेकर यहाँ पे पहुँचे ताकि यहाँ का जो एक एजुकेशन का सिलसिला है और इनमें आपस में सुलह हो जाए और जिंदगी भर के लिए आपस में भाई भाई बन के रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर इनकी फैसले की तारीख होगी और अल्लाह करेगा कि ये हमेशा के लिए ये आपस में भाई भाई बन के रहेंगे और यहाँ का एक तालीम का सिलसिला शुरू होगा और अमन की लहर शुरू होगी अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद, पाकिस्तानी बिरादरी जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद। तो आज जो तारीख है वो 19 नवंबर है और इस 19 नवंबर से इंशाल्लाह हम दुआ का आगाज करते हैं कि इनमें आपस में जो है ना अपना एक अमन का सिलसिला शुरू हो जाए। हम कहेंगे कि दुआ मांगी जाए।